हेलो दोस्तों, मैं पंकज शर्मा, आपको मैं अपना चैनल टेक टिप्स तक में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि अगर आप अपने बैंक अकाउंट में अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं तो कैसे करा सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अगर आप अपने बैंक अकाउंट में अगर अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं करवाए हैं तो क्या होता है कि अगर आप अपने बैंक अकाउंट से अगर रुपये निकालते हैं या डालते हैं तो उस टाइम आपके पास कोई भी मैसेज नहीं आता है, जो कि मैसेज आना बहुत ही ज़रूरी रहता है। तो आपको इस वीडियो में यही बताऊँगा कि आप अपना मोबाइल नंबर कैसे अपने बैंक अकाउंट से रजिस्टर्ड करा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे जा करके क्लिक करके साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारा हर एक वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं बता दूं कि आपको बहुत सारे यूट्यूबर देखने को मिल जाते होंगे कि आपको बताते होंगे कि आप अपने घर बैठे कैसे अपने मोबाइल नंबर को अपने बैंक अकाउंट के साथ जोड़ सकते हैं, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं होता है, क्योंकि जब तक आप बैंक में नहीं जाएंगे आपका बैंक अकाउंट से आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं हो सकता है, यानी कि नहीं जुड़ सकता है, आपको बैंक में जाना ही होता है। तो सबसे पहले आपको ये भी बता दूँ कि मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको बताया था कि आप अपने बैंक के डिटेल को कैसे अपने घर बैठे जान सकते हैं, तो उसके लिए आपको अपने मोबाइल का जो नंबर था उसको आपके बैंक अकाउंट से रजिस्टर्ड होना चाहिए था, तभी आप अपने घर बैठे आप अपने बैंक के बारे में मतलब आपके बैंक अकाउंट के बारे में जो कि बैलेंस के बारे में जानकारी या स्टेटमेंट निकालने की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो इस वीडियो का पर्पस बनाने का यही है कि आप अपने मोबाइल नंबर को कैसे आप अपने बैंक अकाउंट में कैसे रजिस्टर्ड करा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर, इसके लिए आपको दो काम करना होगा। सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा और साथ साथ आपको उसके साथ एक अपना आधार कार्ड का फोटोकॉपी लगाना होगा, उसके बाद आपको ले जाकर बैंक में जमा करना होगा। तो एप्लीकेशन कैसे लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। तो एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार से होगा, जैसे कि डिस्प्ले पे एक आपको एप्लीकेशन का फॉर्म देखने को मिल जा रहा होगा, तो इसको आपको अपने अनुसार फिलअप कर लेना है और उसके बाद आप अपने एक आधार कार्ड के फोटोकॉपी को लेकर के दोनों को एक साथ पिनअप करके ले जाकर आपको बैंक में दे देना है। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड हो जाएगा। उसके बाद कोई भी अगर बैंक का नोटिफिकेशन होता है वो आपको अपने मैसेज के जरिए आपके नंबर पे देखने को मिल जाएगा। तो आपको एप्लीकेशन में क्या लिखना है, कैसे लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि सेवा में ऊपर में उसके बाद आप लिखेंगे श्रीमान शाखा प्रबंधक, नीचे में आपको उसके नीचे लिखना है बैंक खाता नाम उसके बाद पता, उसके बाद आप विषय में लिखेंगे मोबाइल नंबर पंजीकरण और कराने हैं, तो उसके बाद महाशय सविनय निवेदन है कि मैं अपना नाम लिख लेंगे, उसके बाद आपके बैंक का एक खाताधारी हूँ, मैं अपने खाते के साथ मोबाइल नंबर पंजीकरण करवाना चाहता हूँ ताकि मैं अपने खाते की जानकारी घर बैठे पा सकूँ और अपने खाते से संबंधित सभी लेन देन के विषय में जान सकूँ, कृपया आप मेरे खाते के साथ मोबाइल नंबर पंजीकरण करा दें, इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। आपका विश्वासी, आप अपना नाम लिख लेंगे, अकाउंट नंबर लिख लेंगे, मोबाइल नंबर लिख लेंगे जिसको आपको रजिस्टर्ड कराना है और उसके बाद दिनांक लिख लेंगे, उसके बाद आपको सिग्नेचर वही सिग्नेचर करना है जो आप अपने बैंक अकाउंट में किए हैं और अलग से कोई भी सिग्नेचर नहीं करना है, सेम वही सिग्नेचर करेंगे तभी आपका मोबाइल नंबर जो है आपके बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड होगा। और उसके बाद मैं आपको एक और बात बता दूं कि आप का जो खाता है जिसका भी खाता होगा उन्हीं को ये एप्लीकेशन ले जाकर बैंक में जमा करना होगा, और एप्लीकेशन और आधार कार्ड जमा करने के बाद आपका जो मोबाइल नंबर है आपके अकाउंट से जल्द ही रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है। उसके बाद आपका जो भी अगर बैंक अकाउंट में अगर आप पैसा डालते हैं या निकालते हैं तो आपको मैसेज देखने को मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि घर बैठे कैसे आप अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस जान सके या मिनी स्टेटमेंट निकाल सके तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, उसके लिए आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक के जरिए आप अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस या मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। बस यही एक छोटी सी जानकारी आपके साथ शेयर करना था। जय हिंद, जय भारत। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट